अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूज। आज का टॉपिक ये है कि आप एक मिनट में दूसरे की पर्सनैलिटी जज करें, आप दूसरे के बारे में जानें। देखिए, हमें बहुत सस्पेंस होता है कि हमें पता हो कि इस वक्त दूसरा क्या सोच रहा है, ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो इसके लिए कुछ ना टेक्निक्स हैं, कुछ निशानियां हैं। ये जब भी कोई दूसरा आपसे बात कर रहा होगा ना, उसकी मूवमेंट्स पे आपने नज़र रखनी है। देखें, जब भी वो या बात करते हुए ना, अगर वो कुछ याद करने की कोशिश करेगा ना, उसको कुछ सोच रहा होगा कि मैंने क्या पहले क्या कहा था, या कुछ और चीज उसको भूल रही है कोई बात, तो वो हमेशा लेफ्ट की तरफ देखेगा। और अगर वो कोई बात खुद अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट कर रहा है, बना रहा है, तो हमेशा राइट साइड पे देखेगा। ये एक निशानी होती है। दूसरा, अगर वो लेफ्ट के में अप देखे, ऊपर लेफ्ट देखे और अप देखे, कोई अपनी विजुअल मेमोरी का सीन, जो कुछ ऐसा माजी में उसने देख रखा है या एक सीन क्रिएट हुआ था, उसको वो याद करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हुआ था उस वक्त, सीन क्या था, किसने कैसे कपड़े पहने हुए थे, कौन किस साइड पे बैठा था, और वगैरह वगैरह। और अगर कोई बंदा आपसे बात करते हुए लेफ्ट देखता है, लेकिन लेफ्ट डाउन देखता है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो, उसके अंदर कोई बात चल रही है, गोया वो अपने आप से कुछ बातें कर रहा है, वो कुछ अपने आप को समझा रहा है, या कहीं अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी वो ऐसा करेगा, वो हमेशा लेफ्ट साइड पे नीचे देखेगा। और अगर कोई आपसे बात करते हुए कोई यूं समझे कि राइट साइड पे देखे और अप देखेगा, राइट साइड पे अप देखेगा, तो गोया वो कोई विजुअल कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यूं समझे कि वो स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहा है उस वक्त उसके जहन में, कि यार ये जो बात इसने पूछी है ना, अब मुझे कोई ना कोई झूठ घड़ना पड़ेगा, कोई बात बनानी पड़ेगी, कोई बहाना बनाना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा होगा, वो हमेशा राइट साइड पे ऊपर देखेगा। और अगर आप ये देखें कि दूसरे इंसान बात करते हुए ना राइट साइड पे डाउन देख रहा है, तो गोया वो फिर इस वक्त अपनी फीलिंग को फोकस करने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा बिल्कुल स्मार्ट करूं, बिल्कुल कंपोज कर लूं अपने आप को। और बड़ी निशानी, अगर एक आदमी झूठ बोल रहा है, तो उसकी आंखें आपको फौरन बता देगी, उसकी आंखें किसी एक जगह नहीं टिक रही होंगी। वो कभी राइट देखेगा, कभी लेफ्ट देखेगा, हो सकता है कभी ऊपर देखे, कभी नीचे देखे, यानी जैसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो, आपसे आई कांटेक्ट उसका जो है वो नहीं सही हो रहा होगा, तो समझ जाए कि वो बंदा झूठ बोल रहा है। और अगर कोई इंसान बातें करते हुए, बात करते अपने बालों से खेल रहा हो, खासतौर पर जो गर्ल्स होती हैं, लेडीज होती हैं, तो बालों से अगर खेल रहे, तो समझ जाए कि इसको बहुत ज्यादा इस वक्त स्ट्रेस है। और अगर बात करते हुए कोई बालों में कंघी करता है, ऐसे कंघी कर रहा है, तो ये निशानी होती है कि ये बंदा इस वक्त समवट या तो कंफ्यूज है, या इसको मेरी बातों में कुछ डाउट लग रहा है, तो मेरी बातों को पे बिलीव नहीं कर रहा या नहीं कर रही। और अगर कोई इंसान बातों के दौरान अपने हेड को स्क्रैच करना शुरू कर दे इस तरीके से ना, तो ये निशानी है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। अब मजीद आपको उससे बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रेडी नहीं है आपकी बात सुनने के लिए, ये इस चीज की निशानी होती है। और अगर कोई इंसान बात करते हुए ये दोनों हाथ अपने ना ऐसे पीछे ये रख के बिल्कुल पीछे टेक लगा लेता है रिलैक्स, तो ये कॉन्फिडेंट की भी निशानी है और कंफर्ट की भी निशानी है, कि इंसान बिल्कुल कंफर्टेबल है, उसको कोई टेंशन नहीं है, टेंशन फ्री है इस वक्त। इसी तरह अगर कोई इंसान आपसे बातें कर रहा है और बातों के दौरान अचानक उसके माथे पर लाइनें नमूदार हो जाती है, तो ये एक एंग्जाइटी की निशानी है, उसको कोई टेंशन हो गई है, कोई परेशानी उसको लाहक हो गई है, तो उसी वक्त उसके माथे पर लाइनें नमूदार हो जाएंगी। और अगर आप ये देखें कि कोई इंसान आपसे बातें करते हुए अचानक बगैर मौसम उसको पसीना आ जाता है, जैसे सर्दियों का मौसम है और उस इवन देन उसको पसीना आ गया, तो ये बहुत बड़े डिप्रेशन की निशानी है, उसको बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेस जो है ना, वो जहनी स्ट्रेस जो है ना उसको पहुंचा है। और अगर कोई इंसान आपसे बातें कर रहा हो, बातों करने के दौरान इस तरीके से अपने दोनों साइड माथे के ना दोनों साइड पे ऐसे करने लग जाता है, इसका मतलब है उस वक्त उसको काफी एंग्जाइटी है, और वो अपना जो टेंशन है, अपना स्ट्रेस है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश, क्योंकि उसके दिमाग में इस वक्त उसको यूं लग रहा है कि शायद मेरी दिमाग की रगें शायद फट जाएं, तो अपने आप को टेंशन फ्री करने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरह अगर कोई इंसान आपसे बातें कर रहा है और बातों के दौरान उसकी जो आईब्रोज है ये ऊपर की तरफ उठती है, तो
इसका मतलब ये होता है कि उसको आपकी बातों में शक है, आपकी बातों पे वो 100% बिलीव नहीं कर रहा, उसको डाउट हो रहा है। और अगर बातों के दौरान ये दोनों आंखें इस तरह सुकड़ती हैं कि अंदर की तरफ दोनों साइड अपनी एक दूसरे की साइड पे आती है, यानी ये इस साइड पे, इस साइड पे आती है, तो ये उस वक्त होता है जब इंसान कोई आपको डिसलाइक करता हो, आप उससे जो है ना बड़ी शफकत से बातें कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान आपको डिसलाइक कर रहा है, या आपकी किसी बात से उसको इतना सदमा पहुंचा है कि उसने आपको डिसलाइक करना शुरू कर दिया, तो ये इस चीज की निशानी होगी कि उसका ये पता चलेगा कि दोनों आंखें आपस में एक दूसरे के साथ साइड पे थोड़ी सी मूव करेंगी। और अगर किसी इंसान की दोनों आंखें बातें करते हुए अचानक उसकी पुतलियां थोड़ी सी सुकड़ जाए, तो समझ जाए कि इसके दिमाग में इस वक्त कुछ नेगेटिव चल रहा है। हो सकता है वो आपसे बदला लेने की सोच रहा हो सकता है कोई गलत ख्यालात उसके आ रहे हो, आपको कोई वो नुकसान पहुंचाना चाहता हो, यानी कोई ना कोई ऐसी बात जो है ना वो जरूर हो रही है, कोई ना कोई नेगेटिव जो है उसके दिमाग में चल रहा है। और अगर आप ये देखें कि आदमी आपसे बातें कर रहा है, लेकिन बातों के दौरान वो आपकी तरफ मुसलसल आई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा, कभी इधर देखता है कभी उधर देखता है, तो इस चीज की निशानी होती है कि वो आपसे अवॉइड कर रहा है, वो बिल्कुल आपसे बात नहीं करना चाहता, तो पता नहीं फिर आप बात को क्यों कंटिन्यू रखे हो, तभी वो अवॉइड कर रहा है। अब वो आपसे कह भी नहीं सकता कि भाई सॉरी बस अब मैं बात नहीं करना चाहता या मैं मसरूफ हो रहा हूँ वगैरह वगैरह। अच्छा, बाज़ूकत ये होता है कि कोई इंसान जब बात कर रहा हो ना, तो बात करने के दौरान वो अपने माथे को ना रब करना शुरू कर देता है इस तरीके से ना कोई, या ऐसे करना शुरू कर दे माथे को, यानी आप फोरहेड को जो ना वो रब करेगा ना, तो ये परेशानी और गुस्सा दोनों की निशानी है। लेकिन उसने अपना अपने टोन भी कंट्रोल की हुई है, अपना लहजा भी कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन वो मुसलसल रब करते, इसका मतलब उसको गुस्सा भी बहुत आ रहा है, परेशानी बहुत है, लेकिन वो आपसे कुछ बोल नहीं रहा, शायद आपके एहतराम में। इसी तरह अगर कोई इंसान आपसे बातें कर रहा हो और बातें करने के बाद मुसलसल वो एक साइड पे देख रहा हो, ये देखिए आई कंटेक्ट नहीं कर रहा, बस के वो इस साइड पे देखे जा रहा है, मुसलसल बात आपसे कर रहा है, तो ये इस चीज की निशानी कि इस वक्त बहुत गहरी सोच में है, कुछ और बहुत गहरी चीज उसके दिमाग में ना चल रही है। और अगर कोई इंसान आपसे बातें करते हुए ये अपनी ईयर लोब जो है इसको ऐसे खुजलाना शुरू कर दे, तो ये इस चीज की निशानी होती है कि वो आपसे बात करने में थोड़ा सा हेजिटेंट है, शायद उसको ये है कि अगर मैं बात करूं तो आप नाराज ना हो जाएं, या शायद वो आपसे बात करें तो आप परेशान ना हो जाएं, या आपको कोई सदमा ना पहुंचे, तो ये इस चीज की को ये ईयर लोब को ऐसे खुजलाना शुरू कर देगा। और अगर कोई आपसे बातें करते हुए आंखें नीची कर ले, तो ये सबमिशन की निशानी है, ये रिस्पेक्ट की निशानी है कि वो आदमी आपसे डोमिनेंट नहीं है, आपकी इज्जत बहुत करता है। और अगर कोई इंसान ये बड़ा अच्छी एक पॉइंट बता रहा हूं, आपसे बातें कर रहा है और बात करते कभी इधर और कभी इधर देख रहा है, लेकिन उसकी आवाज मुसलसल वो बोल रहा आपसे बातें कर रहा है, ये डोमिनेंट होने की निशानी होती है कि वो गालबन आपको कुछ थ्रेट करना चाह रहा है, या वो शो करना चाह रहा है कि मैं बहुत कुछ चीज हूं। और इसी तरह अगर कोई इंसान आपसे बातें करते दोनों ऐसे हाथों से अपनी नाक छुपा लेता है, तो ये फ्राइटेड होने की निशानी है, शॉकिंग होने की निशानी है, को खौफ ज्यादा हो गया है, तो उस वक्त वो हमेशा ऐसे करेगा। और अगर कोई इंसान आपसे बातें करते हुए बार बार जबान अपने होठों पर ऐसे फेर रहा है, तो ये कंफ्यूज पर्सनैलिटी की निशानी है कि इस वक्त वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। और अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है और बातें के दौरान अटकता है बारों बार, बाजू का कोई लफ्ज भी दो दफा बोलता है सही तरह अदा नहीं कर सकता, अटक तक कोई दो चार जगह पे, ये नर्वस होने की निशानी है। और अगर कोई इंसान आपसे बात जब कर रहा है तो चिन अपनी ऊपर करे, तो ये कॉन्फिडेंट थोड़ी सी, ये नहीं कि बिल्कुल ऊपर नहीं देखना, थोड़ी सी, तो ये कॉन्फिडेंट होने की निशानी है। और अगर चिन नीचे करेगा तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की निशानी है। और अगर कोई इंसान अपने दोनों हाथ ऐसे ना चिन पर रखे यूं बैठा है, तो ये गहरी सोच की भी निशानी है, और ये भी कि ये बहुत बोर हो रहा है। आपने अक्सर देखा कि बाज़ वक़्त लोग सीढ़ियों पर बैठे हो ऐसे ना, ये बैठे होते बिल्कुल बोर हो रहे हैं, उनका दिल नहीं लग रहा किसी, चाहे अच्छा मौसम है उसको भी एंजॉय नहीं कर रहे। और अगर कोई इंसान इस तरह खड़ा है कि दोनों टांगे उसने थोड़ी सी फैला रखी हैं, खोली हुई हैं, तकरीबन 1.5 फीट का डिस्टेंस बनाया हुआ है, और दोनों हाथ ऐसे रखे हैं, इसका मतलब है उसको सिचुएशन पर मुकम्मल कंट्रोल है, और वो डोमिनेंट भी है और बिल्कुल कंफर्टेबल, उसको पता कि मेरा सारा हुक्म मेरा ही चल रहा है। और अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है
आप राइट पे बैठे हैं तो जिस्म नहीं मोड़ता, बॉडी आपकी तरफ मुंह नहीं करता, सिर्फ गर्दन घुमा के आपकी तरफ जो है वो देखता है। इसका मतलब है कि आपको वो बहुत ज्यादा कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, बस जस्ट आपकी बात सुन रहा है और आपको उसका जवाब दे रहा है। और अगर कोई इंसान बात करते हुए अपने दोनों हाथ ऐसे बांध लेता है, ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन की निशानी है, और ये भी कि वो इंसान थोड़ा सा डरा हुआ है, यानी वो फील कर रहा है कि मैं कोई यहाँ पे कुछ ज्यादा सिक्योर नहीं हूँ, सेफ नहीं हूँ। और अगर कोई इंसान आपसे बात करते हुए शोल्डर पीछे की तरफ कर लेता है तो इसका मतलब है वो आपसे मुकाबले के लिए तैयार हो रहा है, और अगर उसके शोल्डर आगे की तरफ झुके होंगे तो ये आजजी की निशानी है, उससे आपको कोई खतरा नहीं होगा। और अगर कोई इंसान आपसे बातें कर रहा हो और बातें करने के दौरान अब तक काफी गप्पे लगा रहा था, बातचीत कर रहा था, लेकिन एकदम फिर वो खामोश हो गया, आप बातें कर रहे हो और आपके जवाब में हूं हाँ यस नो बस, तो इसका मतलब है अब वो आपसे जान छुड़ा रहा है, आजिज आ गया, तंग आ गया है, अब वो चाह रहा है कि बस ये बातचीत खत्म हो जाए, आप अपने घर और वो अपने घर। और लास्ट पॉइंट, अगर कोई इंसान आपसे बातें करते हुए अपने दोनों हाथ जब घुटनों पर रख ले, इसका मतलब ये कि अब बातचीत खत्म करने की कोशिश कर रहा है और आपसे जान छुड़ा रहा है, बेहतर है कि उस वक्त बातचीत फिर खत्म कर दी जाए। तो ये वो निशानियां थी जिसकी बिना पर आप किसी भी इंसान की जो जहनी कैफियत है उसको जान सकते हैं, किसी भी इंसान के बारे में जान सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है और क्या कर रहा है। उम्मीद है ये चीज़ आपको, जो मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, अपने कमेंट से ज़रूर नवाजिएगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।